वेलकम टू सिनेब्रिटी। बॉलीवुड में बादशाह के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम भी हासिल किया है और कई हिट फिल्में भी दी है। शाहरुख के साथ हर कोई काम करना चाहता है और उनके साथ सभी बेहद अदब से पेश आते हैं। लेकिन बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने एक बार कहा था कि वो शाहरुख को थप्पड़ मारना चाहती है और इस बात को सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी सामने आई थी जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शाहरुख खान ने लगभग सभी अभिनेत्रियों के साथ में काम किया है और उनकी इस लिस्ट में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नाम शामिल है। शाहरुख और ऐश्वर्या ने कई फिल्मों में साथ काम किया और कई सुपर हिट फिल्में भी दी जिसमें जोश, मोहब्बतें और देवदास जैसी फिल्में शामिल है। तो उसी दौरान सुपरस्टार सलमान खान ऐश्वर्या के प्यार में दीवाने थे। जब ऐश्वर्या शाहरुख के साथ काम कर रही थी तो सलमान को पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही आपको बता दें कि इस वजह से एक बार सलमान खान ने सेट पर जाकर शाहरुख को काफी खरी खोटी सुना दी थी। और फिर क्या था, ऐश्वर्या ने फिल्म तो छोड़ ही दी लेकिन शाहरुख ने भी ऐश्वर्या राय के लिए कुछ गलत बातें बोल दी थी और उस वक्त ऐश्वर्या की शादी एक्टर अभिषेक बच्चन से हो चुकी थी। और शाहरुख का ये बयान सुनकर ऐश्वर्या की सास और एक्ट्रेस जया बच्चन भी काफी नाराज हो गई थी। यही वजह थी कि उन्होंने शाहरुख को थप्पड़ मारने की बात तक बोल दी थी। बता दें कि शाहरुख खान और जया बच्चन फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी साथ में काम कर चुके हैं। जया ने इस फिल्म में शाहरुख की माँ का रोल निभाया था। सलमान और शाहरुख की इस लड़ाई के बाद में पीपुल्स मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में जया ने शाहरुख के लिए नाराजगी जाहिर की थी। जया बच्चन ने कहा था कि हाँ मैं ऐसा करती, हालांकि मुझे अभी तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला है और इस विवाद के बारे में उनसे जल्द ही वो बात करने वाली है। मैं उसे वैसे ही थप्पड़ मार देती जैसे मैं अपने बेटे को मारती हूँ। मेरा शाहरुख से गहरा रिश्ता है। साथ ही आपको बता दें कि जया बच्चन की ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा था शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर जब रिलीज हुई थी और इसके बाद जब जया बच्चन ने किंग खान पर निशाना साधा तब उन्होंने कहा था कि ये बेहद ही बकवास फिल्म है। अगर इस फिल्म में उनके बेटे अभिषेक बच्चन नहीं होते तो वो ये फिल्म कभी नहीं देखती। और इस पर शाहरुख ने भी जया बच्चन पर पलटवार करते हुए जवाब दिया था और कहा था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म अमर अकबर एंथनी भी काफी बकवास फिल्म थी, हालांकि इसे आज भी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग फिल्म में से एक माना जाता है। तो दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो की कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और भी मजेदार किस्सों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।